नमस्कार। आज के डिस्कशन का शेयर है क्वेसार इंडिया लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट का मैंने के बाद मैंने एक रिसर्च की, जो रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी कमोडिटी के बिजनेस में है, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चर में हर तरह के प्रोडक्ट, और मेटल्स के बिजनेस में है, ज़्यादातर लोहा है, टिन है, और गोल्ड का भी करते हैं। कंपनी हाल में ही न्यूज में है, यह स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। 10 शेयर, एक शेयर अब 10 शेयरों में बढ़ जाएगा। पिछले 5 सालों के रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें, तो 2020 में 13 करोड़ 9 लाख का रेवेन्यू था और 5 लाख का लॉस था। 2021 में 6 करोड़ 37 लाख का रेवेन्यू था, 1 लाख का लॉस था। 2022 में 4 करोड़ 66 लाख का रेवेन्यू था, 18 लाख का लॉस था। 2023 में 3 करोड़ 82 लाख का रेवेन्यू था, 1 करोड़ 1 लाख का प्रॉफिट था। 2024 में 36 करोड़ 46 लाख का रेवेन्यू था, 1 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट था। ईपीएस की बात करें तो सबसे पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा ईपीएस 2024 है। डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करें तो कंपनी पिछले 5 सालों में कर्ज मुक्त रही है। तो कुल मिला के 2020 से अगर 2024 तक की अगर सफर को देखें तो कंपनी ने 13 करोड़ से रेवेन्यू जनरेट करके 36 करोड़ किया, लगभग 2 गुने से ज़्यादा। और 2024 का रिजल्ट पिछले 5 सालों में सबसे सबसे बेहतर था, और 2023 में जो रिजल्ट था वो पिछले उससे पहले के सालों में बेहतर था। तो कुल मिला के कंपनी अच्छा कर रही है, बट रिवेन्यू के फ्रंट पे 2024 का और प्रॉफिट के फ्रंट पे 2024 का मुकाबला किसी साल से नहीं है, बहुत आगे। 2025 में भी हम आशा कर सकते हैं कि यह कंपनी रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में 9 करोड़ 1 लाख का रिवेन्यू, प्रॉफिट 75 लाख का। सितंबर 23 क्वार्टर में 10 करोड़ 26 लाख का रिवेन्यू, 77 लाख का प्रॉफिट। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 8 करोड़ 74 लाख का रिवेन्यू, 19 लाख का प्रॉफिट। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 8 करोड़ 44 लाख का रिवेन्यू और 4 लाख का लॉस। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 11 करोड़ 24 लाख का रिवेन्यू, 77 लाख का प्रॉफिट। जून 23 क्वार्टर को जून 24 क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो रिवेन्यू के फ्रंट पे शानदार रिजल्ट, लेकिन इनकम प्रॉफिट के फ्रंट पे अगर देखें तो लगभग फ्लैट है। कुल मिला के अगर रिवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो जून 23 क्वार्टर का रिजल्ट जून 24 क्वार्टर के रिजल्ट से बेहतर। तो आशा की जा सकती है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा जनरेट करेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में कंपनी ने कुल मिला के अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट 23 के मुकाबले ज़्यादा है, कम नहीं है। एफआईएस के शेयर 0% है, डीआईएस के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 99.67% है, जिसमें अदर्स का भी है, जो अदर प्रोमोटर्स रहते हैं उनका भी है, और प्रोमोटर के शेयर बहुत कम है, ये एक निगेटिव साइन है, वो 0.22% ही है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0 है। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी के पास में 2 करोड़ 60 लाख करीब रिजर्व है। कंपनी ने 1 लाख रुपये का करीब कर्ज रखा है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है। बुक वैल्यू 14 रुपये 80 पैसे, 52 वीक लो 11 रुपये है, 52 वीक हाई 34 रुपये 20 पैसे है। शेयर का प्राइस 24 सितंबर 2024 को 22 रुपये 70 पैसे था। स्टॉक का पी 7.26 है, सेक्टर का पी 104.87 है। ये बहुत अच्छी बात है, स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब केवल 7% पे ट्रेड कर रहा है। जो सेक्टर का पी है उसके केवल 7% पे ट्रेड कर रहा है लगभग, बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है। स्टॉक स्प्लिट एक बार 1 रुपये से 10 रुपये में किया था, अब 10 रुपये से 1 रुपये में फिर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के आधार पर न तो शेयर को खरीदें और न तो भेजें, या मेरे रिसर्च का उपयोग अपने रिसर्च के लिए करें, और आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक मेरे रिजल्ट का आउटकम है, मेरे रिसर्च का आउटकम है, ये अभी हाल में न्यूज में है। 10 शेयर जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, अब 1 रुपये हो जाएगी, मतलब 10 एक शेयर 10 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो जैसे 22 रुपये 70 पैसे है तो 2 रुपये कुछ पैसे होगा। इस बीच में जिनके पास ये शेयर होगा, ये शेयर बढ़ेगा, और स्टॉक स्प्लिट के बाद में भी शेयर बढ़ेगा। तो उस समय अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीद के और पैसे बनाने हैं तो वो इसमें एंटर कर सकते हैं, और जिनके पास में ये शेयर है, स्टॉक स्प्लिट के कुछ स्टॉक स्प्लिट तक रखें और उसके बाद भी कुछ दिनों तक रखें, ताकि जब वो स्टेबल हो जाए तब इसमें से निकल सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है कंपनी, केवल पिछले 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ही अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने, और कुल मिला के ठीक ठाक प्रॉफिट है पिछले और सालों को मुकाबले। हो सकता है 2025 में भी अच्छा रिवेन्यू जनरेट करें और प्रॉफिट भी हो, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। छोटा सा बिजनेस है, 36-40 करोड़ का ही बिजनेस है, तो
उसमें, और मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत कम है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर में एंटर कर सकता है आदमी और अपने अपने प्रॉफिट को बना के निकल सकता है। और जिनके पास ये शेयर है वो स्टॉक स्प्लिट के बाद भी वेट करें, और जो परचेज करेंगे वो स्टॉक स्प्लिट के बाद में भी वेट करें कुछ दिनों तक, जब तक स्टेबल नहीं होता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। मेरे चैनल शाखा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देखकर आप कुछ फायदा उठा सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।